अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी वन। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो कि आपके घर के फुली सिक्योरिटी का काम करता है और ये एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, एक सिक्योरिटी कैमरा है। और बेसिकली मैं इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, पर मैंने खरीदा है अपने लिए और मुझे अच्छा लगा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई सिक्योरिटी कैमरा खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है और ये मुझे 3500 रुपये का मिला है ऑफलाइन मार्केट से। अगर आप इसे ऑनलाइन दराज से खरीदते हैं तो ये ऑनलाइन आपको दराज से 4000 के आसपास जो है मिल जाता है। इसका लिंक में दराज का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा इससे मिलता जुलता जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि इससे सस्ता होगा, तो आप इसकी तो वो भी आप खरीद सकते हैं जो कि HDMI रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो इसका मॉडल मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पूरा डे टाइम और नाइट वर्जन दिखाऊंगा कि ये कितना जो है कितने भी अंधेरे में कितना साफ रिकॉर्डिंग करता है। तो वैसे इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है V380 जो कि ये इसका जो एप्लीकेशन होता है मोबाइल में, आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है। V380 में आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट के बगैर भी आप इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके तो खाली इसके वाईफाई के साथ आप इसको देख सकते हैं। तो दोनों तरीके में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इसको ऑनलाइन कैसे करना है और ऑनलाइन के बगैर आपने खाली इसको बगैर इंटरनेट के कैसे देखना है। तो इसका मॉडल नंबर जो है ये Q8 जो है इसमें बताया जा रहा है, लेकिन इसका टोटल मॉडल नंबर जो है IPC T9820 और फिर जो है Q8B है। तो इसका जो मशहूर मॉडल है, अगर आप सर्च करोगे Q8 तो Q8 पे ये आप लोगों को कैमरा है ये आप लोगों को आएगा। और ये कॉल के मैं अंदर को आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं V380 इसके ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे इसमें वायरलेस 64 GB में रिकॉर्ड सपोर्ट करता है और 360 रोटेट है। इसमें माइक भी है और हेडफोन भी लिखा हुआ है, रोटेट भी है और iOS एंड्रॉयड दोनों, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में जो है ये कनेक्ट हो जाता है आसानी से। तो इसको मैं बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो बॉक्स में जो है हम इस तरह का इसमें कुछ कैमरा मिलता है जो कि मुर्गी शेप का बना हुआ है, इसके ऊपर ये भी लगा हुआ है इस तरह, और ये इसका जो है कैमरा है। बैक साइड पे जो है एक लैन का पार्ट है और एक मेमोरी कार्ड है। यहाँ पे 5 वोल्ट, आप इसको पावर बैंक से भी चला सकते हैं, बड़े मज़े की बात है, पावर बैंक से आप इसको चला सकते हैं। और ये एक रीसेट बटन है और इसमें यहाँ पे 1080 का स्टिकर भी लगा हुआ है क्या ये 1080 में जो है आपको रिकॉर्डिंग करता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ एक USB केबल है जो आप पावर बैंक पे लगा के आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ एक चार्जर भी है जो कि आप इस चार्जर में इस USB केबल को लगा के और आप इससे इसको चला सकते हैं। तो ये इसमें बहुत ही आसान चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये आप एंड और दीवार पर भी लटका सकते हैं। इसके साथ ये क्लिप दिया गया है और इस क्लिप में जो है ये नट है, इसको आप ईजीली जो है दीवार पे या छत पे लगा सकते हैं। तो ये इसमें नट है और इसको आपने इस तरह इसमें लगा देना है और फिर आपने इसको यहाँ से जो नट है इसको टाइट कर देना है। इसको आप किसी भी दीवार पे इस तरह लगा सकते हैं या इस तरह लगा सकते हैं या ऊपर की तरफ इस तरह लटका सकते हैं। तो हर साइड पर जो है आप इसको बड़ी आराम से लगा सकते हैं। इसको पहले हर साइड पर कर लेते हैं। इसके अलावा आप इसको टेबल पर भी इस तरह रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने इसके लिए V380 एप्लीकेशन जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड कर देना है। तो ये एप्लीकेशन है, इसको आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देना है इस तरह करके। तो यहाँ पे इसमें ये जो लेंज वाली जगह है इस पर आप डायरेक्ट इंटरनेट का तार कनेक्ट कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड वाली जगह में जो है मैं मेमोरी कार्ड रख लेता हूँ। तो इसमें मैंने मेमोरी कार्ड रख लिया है और यहाँ पे जो है मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। तो ये इसका अपना वाला केबल है, इसमें मैंने 5 वोल्ट केबल जो है इसमें लगा दिया है और ये आप पावर बैंक से भी चला सकते हैं। तो ये इसका दूसरा साइड जो है ये पावर बैंक में लग जाता है। तो सिस्टम इज स्टार्टिंग जो है, अब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ी देर में जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये अभी स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है इसके लिए आपने V380 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी V380 का एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। तो अभी जो है हमने इसको बगैर इंटरनेट का वाईफाई इसका इसके साथ कनेक्ट कर देना है इंटरनेट के बगैर। तो यहाँ पे आपने सीधा अपने वाईफाई में जाना है और यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इसका जो अपना वाईफाई है MV244 ये इस कैमरे का अभी वाईफाई ऑन हो चुका है, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो मोबाइल के साथ मैंने इसका वाईफाई कनेक्ट कर लिया है डायरेक्ट और यहाँ पे जो है मैंने ट्राई विदाउट एडमिन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रजिस्टर किए बगैर इसको खोल लेता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने जो है कैमरा उठाया हुआ है,
क्योंकि ये वाईफाई इसके साथ इसका कनेक्ट है। तो यहाँ से मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ और आप लोगों को तरीका दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने इसको इस तरह से ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपने वाईफाई स्मार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर तीन ऑप्शन आएंगे, तो सबसे नीचे वाले ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऐड डिवाइस क्लिक के ऊपर क्लिक करने के बाद डिवाइस आईडी यहाँ पे आपने इसको स्कैन कर देना है। तो इसके बैक साइड पे आप लोगों को एक तस्वीर शो हो रहा होगा, ये क्यूआर कोड है। आपने इसको इस अपने मोबाइल में जो है सर्च कर देना है। तो यहाँ पे इसने स्कैन करने के बाद इसने इसका आईडी उठा लिया है। यहाँ पे आपने कंफर्म कर देना है और इसमें आपने इसमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर देना है, ऑफिस होम या कोई रूम वगैरह। तो यहाँ पे मैं ऑफिस सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये कैमरा जो है हमारे मोबाइल में ऐड हो चुका है। तो ये अब इंटरनेट के बगैर इसमें ऐड हो चुका है। यहाँ से मैं इसका स्टेकर हटा देता हूँ। इंटरनेट के बगैर इसमें ऐड हो चुका है। तो जैसे आप कैमरे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेट पासवर्ड है। आपने पहले इसका पासवर्ड सेट करना है अपनी मर्जी का। तो यहाँ पे मैं ADMIN1234 सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर कंफर्म पासवर्ड ADMIN1234, और यहाँ पे जो है मैंने एक कंफर्म कर दिया। तो ये इसका पासवर्ड हमारे पास जो है इसमें सेव हो गया है। तो अब जैसे ही यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कैमरा आप लोगों के सामने जो है ऑन हो चुका है, और इसको मैं जिस साइड पे मर्जी घुमा सकता हूँ। और इसमें जो है ऑटो मोशन भी आप ऑन कर सकते हैं, इसमें अलार्म सिस्टम, इसमें बहुत सारे सिस्टम है, इसमें आप बहुत सारे चीज़ें जो है ऑन कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिक्योरिटीज़ है इसमें। यहाँ पे आप इसमें वॉइस भी कर सकते हैं, यहाँ से आप बोलोगे तो वहाँ पे कैमरे में आवाज़ आएगा, और यहाँ से जब आप स्पीकर ऑन करोगे तो इसमें तो यहाँ पे कैमरे के साथ जितने भी बातें होगी वो सारे बातें आपको यहाँ पे मोबाइल में सुनाई देगा। तो ये इसमें एक बेस्ट काम है। इसके अलावा जब आप इसको बैक करोगे तो ये थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करोगे और सेटिंग पे के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर इसमें बहुत सारा सेटिंग आप लोगों के सामने शो होगा। जनरल है, यहाँ पे नेटवर्क है, इसमें को आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो तरीका भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। नीचे पासवर्ड आप इसके साथ सेट कर सकते हैं और डिवाइस टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद नीचे अलार्म है और इसके अलावा रिकॉर्डिंग सेटिंग है। तो रिकॉर्डिंग सेटिंग में आप इसमें जो है HD और SD रिकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग है और एडवांस सेटिंग में लैंग्वेज डिवाइस, और इसके अलावा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी इसमें इंटरनेट को कनेक्शन करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने एप्लीकेशन से दोबारा से निकल लेना है तो शुरू से मैं आप लोगों को इंटरनेट के साथ कनेक्शन करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन ओपन कर देना है। अभी मैं आप लोगों को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पे ट्राई विदाउट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये डिवाइस तो इसने उठाया हुआ है। तो ये थ्री डॉट जो हमें नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आपने सीधा नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेटवर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने लास्ट में वाईफाई स्टेशन मोड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट वाईफाई, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने जितने भी वाईफाई इस एरिया में आ रहे हैं वो सारे इसने उठा लेने हैं। तो यहाँ पे अभी एक आ रहा है, तो इसको मैं मोबाइल हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये दूसरा मोबाइल से मैं हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि दूसरा वाईफाई जो है ये उठाता है या नहीं। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट इसने उठा लिया, और आपने यहाँ पे सिर्फ इसको सेलेक्ट कर देना है और इसका पासवर्ड बता देना है, और इसका पासवर्ड जो है इसमें लगा देना है। तो इसका पासवर्ड मैंने में लगा दिया और यहाँ पे सिंपल आपने सेव कर देना है। यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेता है वाईफाई की। यहाँ पे इसने बता दिया है कि वाईफाई कनेक्टेड हो चुका है। तो अब आप किसी भी एरिया में जाके आप इस कैमरे को देख सकते हैं और इसका बैकअप भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अब ऑनलाइन हो चुका है और ये अब जो है इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो इस वजह से चल रहा है कि यहाँ पे जो है इसमें इंटरनेट जो है काफ़ी स्लो है। तो इस तरह भी आप इस तरह हाथ से इसको घुमा सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसके ऊपर नाइट वर्जन का थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ इंटरनेट का तरीका। और ये चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और इसके अलावा जो है आप जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आएगी। इसमें रोटेशन और सारी चीज़ें हैं। तो नाइट वर्जन का मैं आप लोगों को एक झलक दिखाना चाहूँगा अपने इस कैमरे के साथ, जो जिस कैमरे के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके ऊपर भी मैं अंधेरे में रिकॉर्डिंग करके और इस पर भी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन से का रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा है।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो राइट साइड वाला वीडियो है ये हमारा सीसीटीवी का है, और लेफ्ट साइड वाला जो है ये मेरे मेन कैमरे का है जिसके ऊपर मैंने सारे वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं। तो अभी मैं इसको लाइट ऑफ करूंगा और नाइट वर्जन में देखूंगा कि नाइट वर्जन में मेरे मेन कैमरे में कुछ आ रहा है या नहीं, और सीसीटीवी में कितना साफ आ रहा है। तो चलिए मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने लाइट ऑफ किया है सीसीटीवी में कितना साफ आ रहा है, और जो मेन कैमरा है इसमें बिल्कुल काला नज़र आ रहा है, और पीछे जो है मेरे कंप्यूटर की एलसीडी का लाइट है तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा उसमें नज़र आ रहा है। चलिए मैं कंप्यूटर मॉनिटर को ऑफ कर देता हूँ फिर देखते हैं। तो अभी मेरे सामने साइड पर जो एक लाइट है वो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मेरे चेहरे पे लग रहा है जिसकी वजह से मेरा टोपी थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है मेन कैमरे में, और सीसीटीवी कैमरे में जो है मैं क्लियरली नज़र आ रहा हूँ। तो इसका नाइट वर्जन काफ़ी खूबसूरत है, तो काफ़ी बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओरिजिनल का, तो वो 4000 के आसपास है कि 4000 के 5000 के आसपास है ऑनलाइन। और अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो ऑफलाइन मार्केट में मैंने इसको 3500 पे खरीदा है, और इससे मिलता जुलता का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको 3000 से 3500 का मिल जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता होगा और 1080 में रिकॉर्डिंग करेगा, लेकिन उसका शेप हाल ही चेंज होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।